अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नोशी आपी आपके लिए स्पेशली ग्रेवी वाला चिकन डिफरेंट रेसिपी के साथ। इसका नाम है चिकन अडोबो। बहुत आसान रेसिपी है, फौरन से बन जाती है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि और भी डिफरेंट ग्रेवी वाले चिकन की रेसिपी लेके आऊँ। ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ वी लिव बाय सलमान। अच्छा जी, अडोबो बनाने के लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है जो गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज अनियन डालेंगे। इसको मैंने चॉप कर लिया और इसको हम बिल्कुल हल्का सा बस हमने ब्राउन करना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे गार्लिक, 1 फुल लहसुन मैंने लेके जिसको जो है वो मैंने चॉप कर लिया है। अभी हम इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। लहसुन भी हमारा हल्का सा हो गया है फ्राई। अभी मैंने लिया है 1/2 किलो चिकन विद बोन्स है, आप चाहें तो विदाउट बोन्स भी ले सकते हैं। अभी हम लहसुन और प्याज के साथ चिकन को अच्छा सा कर लेंगे फ्राई। चिकन को मैंने कुछ देर फ्राई किया है। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी 4 तेज़पात, साथ मैंने लिए 5-6 जो है वो साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो ग्राउंड ब्लैक पेपर। बहुत पिसी हुई ना हो, हल्की सी ग्राउंड हो तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देंगी। अभी हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल के थोड़ी देर और हम चिकन को इन सारी चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया, प्याज लहसुन और जो हमने स्पाइसेस डाले थे कलर भी बहुत अच्छा गया। अभी इसमें मैंने लिए 6 टेबलस्पून सोया सॉस। शब्स 2 टेबलस्पून मैंने लिया है विनेगर। साथ हम इसके डालेंगे 1/2 कप पानी। अभी पानी डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे कि चिकन भी हमारा अंदर तक गल जाए और ये जो सारे हमने लिक्विड्स डाले हैं ये थोड़े से थिक हो जाएं। आपने ख्याल ये रखना है कि सोया सॉस जो होती है वो नमकीन होती है, इसलिए अगर आपको इसमें नमक की ज़रूरत है तो आप 1/2 टीस्पून डाल दें, वरना आप नमक को जो है वो स्किप कर दें। देखें जी, चिकन अडोबो की हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो गया। जितने हमने लिक्विड्स डाले थे इसको इसमें वो सारे बहुत अच्छे से मिक्स हो के और थिक हो गई है ग्रेवी। बहुत अच्छी, इतनी ठीक है क्योंकि मैं इसको जो हूँ वो चावलों के साथ सर्व करूँगी, बॉयल चावलों के साथ, तो थोड़ी सी ग्रेवी हो तो अच्छा है। चिकन भी हमारा परफेक्ट गल गया है। मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया क्योंकि सोया सॉस की वजह से नमक बिल्कुल ठीक है। आप इसके साथ सैलेड खाएं, डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।